ये है बेडरॉक, जिसको सर्वाइवल में ऑब्टेन करना लगभग इम्पॉसिबल है। और ऐसे कुछ ग्लिच है जिससे हम बेडरॉक को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसको इन्वेंट्री में लाना लगभग इम्पॉसिबल है। और इस एसएमपी में एक बंदे को वो ग्लिच मिल चुका है जिससे वो सर्वाइवल में बेडरॉक को अपनी इन्वेंट्री में ले सकता है, और वो इस बेडरॉक को सेल करके इस एसएमपी का रिचेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। तो भाई मैंने यहाँ पे शुरू करी है नई दुकान, जिसका आज फर्स्ट डे है, तो आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो भाई चलो, ये चलो 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 चलो, बराबर। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ कमाल की चीजें मिलने वाली है, जाओ आप खरीद सकते हो, और जो कि ऑक्शन में भी मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूँ एन्चांटेड गोल्डन एप्पल, वो भी पूरे एक स्टैक। ओहो, कोई इंटरेस्टेड है लेने में? मैं गेटिंग रेडी, मैं बिल्कुल। अरे उधर खड़े रहो, बाहर खड़े रहो। चलो 10 नेदरराइट इंगेट में मैं दूंगा 2 स्टैक एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। डील आने वाली है वो है एंड क्रिस्टल की। ओ ठीक है, ये लो मेरे से ही ले लो। एंड क्रिस्टल लेना चाहता कोई? एंड क्रिस्टल मैं काहे के बदले, उसके लिए हम वो कर रहे हैं ऑक्शन में लाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सबसे नॉर्मल ट्रेड्स करता है और सबसे लास्ट में लेकर आता है। एक काम करो, तुम खुद ही देख लो। तो अब आने वाली है हमारी एसएमपी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी, जो कि सिर्फ 2 ही अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप सभी रेडी होने वाले लेने के लिए, जो कि है बेडरॉक। अबे बेडरॉक कैसे, बेडरॉक कैसे आ गया यहाँ पे? बेडरॉक कैसे आ गया भाई? मुझे एक ग्लिच मिला जिसके जिससे मैंने बेडरॉक को कलेक्ट कर लिया। भाई लेकिन आया कैसे बेडरॉक? इसको हम ऑक्शन में लेने वाले हैं, क्योंकि सब इंटरेस्टेड है लेने के लिए। तो स्टार्ट होने वाली है इसकी बोली, तो यहाँ पे बैटरों की बोली स्टार्ट करते हैं। तो कौन शुरू करने वाला है? मैं करूँगा। हाँ, तो क्या क्या करने वाले हो, क्या देने वाले हो? 10 डायमंड ब्लॉक। 10 डायमंड ब्लॉक, उससे ज्यादा कोई देने वाला है? 11 डायमंड ब्लॉक। 15 डायमंड ब्लॉक विशेष कह चुका है, 15 से ज्यादा कोई? 20 डायमंड ब्लॉक। 16 डायमंड ब्लॉक। 20 डायमंड ब्लॉक से ज्यादा कोई देने वाला है? 20 डायमंड ब्लॉक। 20 ब्लॉक पे 2 हार्ट स्ट्राइकर देने वाला है? मैं 20 ब्लॉक पे 5 हार्ट। 20 ब्लॉक पे 5 हार्ट देने वाला नहीं, मैं उससे ज्यादा कोई ब्लॉक के साथ 5 हार्ट। काउंट डाउन करने वाले हैं, वरना ये डील मिल जाएगी विशेष को। आर यू रेडी? 1 2 3 T-shirts, getting ready दे रहा है T-shirts। यहाँ पे मिलने वाले हैं getting ready को, getting ready आप आ जाइए, इधर आ जाइए। भाई T-shirts कहाँ से आए इसके पास? भाई Snoop के पास T-shirts कहाँ से आ गए? मेरे पास खुद के पास 20 shirts है। मुझे इसका जवाब नहीं पता, बट मुझे इतना पता है मेरे यहाँ पे bedrock sale हो रहे हैं। और bedrock कहाँ से आया यहाँ पे? भाई वो glitch से मिला है मुझे। तो अगर देखा जाए ना, तो हम बेडरॉक को तोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी मैं ये स्टोन को तोड़ रहा हूँ, लेकिन उसको अपनी इन्वेंट्री में लेकर आना तो पॉसिबल नहीं है एक टाइप से। और उस बंदे को वो ग्लिच मिला है, तो हो सकता है उसको इसी तरीके से वो ग्लिच मिला हो। तो एक बार मैं वही चीज़ ट्राई करके देखने वाला हूँ, क्या पता वो TNT ड्रॉप भी हो जाए और मेरी इन्वेंट्री में भी आ जाए। इतने सारे ट्राई करने के बाद मेरी इन्वेंट्री में अभी तक बेडरॉक नहीं आया है, और उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं YouTube चेक करता हूँ। और YouTube पे हज़ारों वीडियो देखने के बाद मुझे ये पता चलता है कि हम बेडरॉक ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्जन में, और बेडरॉक को लेटेस्ट वर्जन में लेना इम्पॉसिबल है। अब मुझे उस बंदे पे शक होता है और मैं उसका पीछा करता हूँ, और पीछा करते करते मुझे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिससे, तो अभी मैं करंटली आया हूँ हमारे न्यू स्पॉन पे, क्योंकि मुझे फ्लेयरमैन का पीछा करना है, क्योंकि उसके पास बेडरॉक है, वो भी सर्वाइवल एसएमपी में। और अभी मैं इस टावर के नीचे उसका वेट करने वाला हूँ, और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो मैं उसका पीछा करने वाला हूँ, और मुझे देखना है कि आखिर उसके पास बेडरॉक। मैं लिटरली यहाँ पे 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, और वेट यहाँ पे, अभी ये फ्लेयरमैन का ही नेम टैग है, यस यहीं पर ही है वो, और वो यहाँ से आगे जा रहा है। ओ वो ट्राइडेंट से उड़ के आगे जा रहा है, मेरे को भी लाइट्रा से आगे जाना चाहिए। भाई अभी जस्ट देख लेता वो मेरे को, अब मैं बिल्कुल फुट्स नहीं दूंगा भाई, अगर उसने मुझे देख लिया ना मेरी बैंड बजने वाली है। और वो यहाँ से आगे जा रहा है, उसका पीछा करके देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही। भाई कहाँ चला गया ये? वेट वो रहा
वेट, ये बेडरॉक प्लेस कर रहा है और तोड़ भी रहा है। अबे ये तो क्रिएटिव में है भाई, बंदा लिटरली क्रिएटिव मोड यूज कर रहा है लाइफ स्टील एसएमपी में। इसका भांडा तो सारे एसएमपी मेंबर्स के सामने फोड़ना पड़ेगा मुझे। तो बता भाई, तुम लोगों ने वो क्लिप तो देख ही ली होगी जिसमें फ्लेयरमैन बेडरॉक यूज कर रहा था। तेरे सामने तेरे हर्ट्स जलाने पड़ेंगे। हर्ट्स भी जल गए और अभी तेरे पास कितने हर्ट्स हैं? आखिरी ख्वाहिश, मुझे अनबैन कर दो। अनबैन होगा तेरे टीम में, वो बैन करना पड़ेगा। 7 दिन बाद अपने आप अनबैन हो जाएगा। भाग रहा है, तेरे को अभी आखिरी इच्छा भी नहीं पूछ जाएगी किधर गया। फ्लेयरमैन वाज फ्लेयरमैन बैन हो गया। फ्लेयरमैन हैज बीन एलिमिनेटेड। और इस तरीके से होता है इस एसएमपी के ओनर का द एंड।